मारुति सुजुकी सिलेरियो, ये दोस्तों एक ऐसी गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन वैगनार और स्विफ्ट जैसी सफलता इसको कभी भी नहीं मिल पाई सेल्स के हिसाब से। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड फील होती है, डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगती है। अभी इस कमी को दूर करने के लिए फाइनली नई सिलेरियो आने वाली है इंडियन मार्केट में, और इसकी टेस्टिंग वैसे भी काफ़ी टाइम से चल रही थी और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो। तो नई वाली सिलेरियो कुछ आपको इस तरह की देखने को मिलेगी। एंड सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया है, तो आपको यहाँ पर नए हेडलाइट्स, ग्रिल्स और टेल लैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस कार के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डायमेंशंस में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है। पुराने सिलेरियो से ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी मिलती है, थोड़ी सी ज़्यादा बॉक्सी आपको मिलेगी, मतलब यहाँ पर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा। आपको यहाँ पर ज़्यादा लेग रूम और बेहतर हेड रूम नए वाली सिलेरियो में मिल सकता है। बाकी यहाँ पर बूट स्पेस और स्टोरेज स्पेस के मामले में भी थोड़ा सा सुधार करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेजर जो चेंज है वो आपको इसके एक्सटीरियर में और इसके डायमेंशंस में ही देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में, तो पुराने सिलेरियो में काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग थे जो कि नए सिलेरियो में मिलेंगे आपको। फीचर्स जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रे रेसिवेंट्स और ऐसे ही काफ़ी सारे फीचर्स आपको नए सिलेरियो में वेरिएंट वाइज मिलेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर लोड लिमिटर जैसे कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड सभी वेरियंट्स में मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर क्रैश टेस्ट रेटिंग्स, इसके बारे में पहले से ही प्रेडिक्ट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करूँ, तो आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। सबसे पहले आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि अभी वाले सिलेरियो में चल रहा है, और सेकेंडली आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि आपको मारुति इग्निस, वैगनार और बलेनो के अंदर भी मिल जाता है। तो वही वाला इंजन आपको सिलेरियो के अंदर भी मिलेगा, और इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पर। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थे कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि मैं आपको बता सकता हूँ नई सिलेरियो के बारे में। बाकी यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो ये कार दोस्तों बिलोंग करती है वैगनार के सेगमेंट में, तो इसकी प्राइस होपफुली 4,70,000 से लेकर 6,50,000 के बीच में इसकी एक शोरूम प्राइस होगी। तो ये गाड़ी दोस्तों मेनली कॉम्पीट करेगी ह्यूंडई की सेंट्रो से और टाटा की टियागो से। बाकी वैगनार और इग्निस के सेल्स फिगर में भी ये काफी ज्यादा इफेक्ट ला सकती है। वही अगर मैं बात करूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में मैं श्योरली आपको नहीं बता सकता, जून या जुलाई के महीने में एक्चुअल लॉन्च हो जाती है, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन की वजह से इसकी जो लॉन्च है वो डिले हो सकती है। तो मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर के अंदर इस कार की लॉन्च हो जानी चाहिए। तो यही था दोस्तों जो कि मैं आपको बताना चाहता था सिलेरियो के बारे में। बाकी दोस्तों नए सिलेरियो के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप रिव्यूज वगैरह देखना चाहते हो, तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।